आगामी समय में होने वाले नगर निकाय चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस इस बार भाजपा से एक कदम आगे है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों में लगातार मिलन समारोह व अन्य आयोजन के माध्यम से कार्यकर्ताओं को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में शहर के पूर्व महापौर और विधायक मालिनी गौड़ के क्षेत्र यानी कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 के वार्ड 85 में गुरुवार देर शाम कांग्रेस का मिलन समारोह आयोजित हुआ, जहां कांग्रेस के संभावित महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला, शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल सहित कई कांग्रेसी मौके पर मौजूद रहे। विधायक संजय शुक्ला ने मीडिया के सामने कहा कि करीब 5 साल तक यहां मालिनी गौड़ विधायक और शहर में महापौर रही, लेकिन उन्होंने यहां कोई काम नहीं किया। वार्ड 85 में आज भी स्कूल, सड़क, बिजली, पानी आदि की समस्याएं हैं। शुक्ला के अनुसार यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो इन समस्याओं को दूर किया जाएगा। देखिए, वार्ड 85 के अंदर मैं आ आया हूँ। इसके पहले भी मैं इसी वार्ड के पास के वार्ड सुधावा नगर सुधावा चुनाव जब भी मैंने इतना काम करे थे, जो इंदौर की जनता आज भी याद रखती है, सुधावा नगर लोग आज भी याद रखते हैं, और द्वारकापुर के लोग भी याद रखते हैं कि मैंने इतना काम कराया था। और आज देखिए, जो इंदौर के जो यहाँ के हमारे मेयर हैं आदरणीय मालिनी गौड़ जी, और वो 5 साल से विधायक भी हैं, उस मेयर भी हैं, वो विधायक भी हैं, वो लगातार विधायक भी रही हैं। प्रदेश में उनकी सरकार, केंद्र में उनकी सरकार होने के बाद उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या विकास कराया, आप भी जानते हैं। ना यहाँ स्कूल बन पाया, ना यहाँ टंकी बन पाई, ना लाइन की व्यवस्था हो पाई, ना कॉलोनी वेत पाई हो पाई। जो ग्रीन बेल्ट के कॉलोनी बसी हुई उनको ना वेत करा पाई, ऐसा कोई काम नहीं करा पाया। परंतु अब सरकार कांग्रेस बनती है तो हम सबसे पहले ये काम करेंगे, यहाँ स्कूल बनवाना है, यहाँ टंकी बनवाना है, और जो कॉलोनी वेत कराना है, वो जो हमारी माता है बहुत परेशान होती है, नर्मदा लाइन की व्यवस्था नहीं, वो हम सबसे पहले करवाएंगे। इन वार्डों में लगातार भाजपा का कब्जा रहा है, तो किस तरह से कांग्रेस चुनाव जीतने की अपने उम्मीदवार घोषित करेगी, योग्य देखिए वक्त है बदलाव का। आम जनता समझ चुकी है 20 साल से इनको लगातार जिताया, तो अब वो चाहती है कांग्रेस पार्टी जीते, वो कांग्रेस के लोगों को जिताएंगे। तो उसका जनसैलाब आपने आज देखा होगा कि हजारों लोग, महिलाएं भी आएंगे, पुरुष भी आएंगे, वो चाहते हैं अभी कांग्रेस का यहाँ मेयर भी बने और पार्षद भी बने। हमारा उद्देश्य पार्षद पद या पार्षद प्रत्याशी होना नहीं है, हमारा उद्देश्य है जो ये क्षेत्र जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, आवश्यकताएं पहुंच नहीं पा रही है, सरकारी योजनाएं आम जनता तक पहुंच नहीं पा रही है। हमारे द्वारा लगातार सेवा कार्य किए जा रहे हैं, हमारे द्वारा महिलाओं को निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाता है, कोरोना काल में हमने घर घर जाकर सैनिटाइज किया है। अब हम ऐसे ही आगे अपने सेवा के संकल्प के साथ कार्य करते रहेंगे, और हमारा अगला उद्देश्य रहेगा कि घर घर में यह क्षेत्र थोड़ा सा तंग एरिया है, रोज कमा के रोज खाने वाला एरिया है, यहाँ पे सरकारी योजनाओं की बहुत आवश्यकता है, थोड़ा साक्षरता का भी अभाव है। अब हम कोशिश करेंगे कि घर घर जाकर, जिस तरह से हमने घर घर जाकर सैनिटाइज किया है, घर घर जाकर निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस बनाए, उसी तरह हम घर घर जाकर लोगों की वृद्धा पेंशन बनाए, लोगों की विकलांग पेंशन बनाए, जो भी जरूरतमंद लोगों तक जो सरकारी योजना है हम उन तक पहुंचाए। हमारा उद्देश्य किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी पे दोषारोपण करना नहीं है, हमारे द्वारा हमारे सामर्थ्य के अनुसार जो हम जनता की सेवा कर सकते हैं उस सेवाओं को अंतिम पंक्ति के खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का उद्देश्य रहेगा। हमारा नाम और पद रवि का।